इरादे अटल और इरादे अटल और हौसला चट्टान है, दिल जिगर और फेफड़ों में उठ रहा तूफान है। हार के डर से योद्धा कभी रुकता नहीं, युद्ध है मेरा धर्म और शस्त्र मेरी शान है। खून की हर बूंद से इतिहास लिख कर जाऊंगा, खून की हर बूंद से इतिहास लिख कर जाऊंगा। जंग जारी जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है। खौफ से बोलो जरा दुश्मने खेमा रहे, खौफ से बोलो जरा दुश्मने खेमा रहे। पागलों की फौज है ये, लड़ना उनका काम है। ये पागलों की फौज है और लड़ना इनका काम है। क्यों बोला मैंने ये पागलों की फौज है? हम जो ईपीएस 95 वाले लोग हैं ना, अब हमने ठान लिया है कि अब हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हमें डर नहीं है कि सामने क्या पहाड़ आएगा, क्या चट्टान आएगी, क्या क्या अवरोध आएगा, क्या दिक्कतें आएंगी। हमारा हौसला, कहते ना हौसला, इरादे अटल है हमारे, और हौसला हमारा बुलंद है चट्टान की तरह, और हमारे दिलों में तूफान है। पूरी कविता का सार है ये जो मैंने कविता लिखी है, पूरी कविता का सार है कि अब हमारे दृढ़ निश्चय को कोई डिगा नहीं सकता। और उस दृढ़ निश्चय का ही प्रतिफल है कि हमें अपने प्रोग्राम के लिए पुलिस की परमिशन हमने लगा दी है, हमने पुलिस परमिशन ले ली है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इंटीमेशन दे दिया है, हमने हॉल बुक करा दिया है। और मैं आज आपको सूचना दे रहा हूँ कि लड़ेंगे जीतेंगे, जो हमने संकल्प लिया था, जो हमने वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। और उस पूरा करने के लिए हमें आपको दिल्ली चलो का जो मंत्र दिया था, जो नारा दिया था, अब उसकी एक दिन का जो चैलेंज दिया था उसकी कार्यवाहन की बारी है अब। और आपको दिल्ली आना है, और किस तारीख को आना है वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, तारीख बताने के साथ साथ मैं जगह भी बताऊंगा किस जगह पे आना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आकर क्या क्या करना है, क्या क्या उद्देश्य है हमारी इस मीटिंग का, और ईपीएस 95 की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए हमारा संघर्ष कहाँ तक पहुँचा, बहुत सारी बातें होंगी आज। इसलिए वीडियो में पूरा बना रहिए, लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। जो भी आप चैनल पर देख रहे हैं, चाहे वो ए वॉइस फॉर यू हो, मिनी संसद हो, दबंग दिल्ली हो, जाग 85 हो, कोई अन्य चैनल हो, कहीं से भी आपको मिलती है वीडियो, तो लगातार देखिए और देखकर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट होने से ही हमें शक्ति, ऊर्जा और साहस मिलता है कि हम इसे आगे बढ़ा सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने जो कहा था कि हमें वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, मैंने कहा ना मैं अनाउंस कर दूंगा तारीख का, तारीख और जगह का अनाउंस मैं आज करूंगा। तारीख जानने से पहले जान लीजिए कि मीटिंग रखने की कारण क्या था। मीटिंग रखने का कारण ये था कि हमें मीटिंग रखने के बाद अपनी शक्ति का आकलन करना है, हमें अपनी शक्ति का आकलन करना है कि हमारी शक्ति कितनी है और हमें किस अनुसार अपनी रणनीति बनानी है और कैसे हमें सबके साथ चलना है। तो इस मीटिंग का परम उद्देश्य है कि जो भी देश से लोग आएंगे उन सबके साथ हम एक समन्वय समिति बनाएंगे, हम उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर वो लोग नेतृत्व करेंगे जो लोग दिल्ली आएंगे, हम उन लोगों को नेतृत्व देंगे और वो लोग उनका व्यक्तिगत नंबर और मेरे नंबर, हमारी टीम के सारे नंबर आपस में शेयर किए जाएंगे, जिससे हम पल पल की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और एकदम तालमेल होकर एकदम एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जीतें। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि हम सबको मिलकर आपस में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना, टीमों को पता करना। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमें शक्ति भी पता करना कि कौन कौन सच में आ पाएगा, क्या हम जो सोच रहे हैं वैसा हो पा रहा है, क्या जो हजारों लोग हमारे से जुड़ गए हैं क्या वो दिल्ली आ भी सकते हैं एक दिन के लिए। अगर वो एक दिन के लिए आ सकते हैं तो आगे भी वो, फिर हम उनको बुलाएंगे तो वो आगे भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम उनको एक दिन का चैलेंज दे रहे हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसमें खड़े उतरते हैं। कुछ लोगों ने फोन करके ये कहा कि भाई, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं आना चाहता हूँ, बताओ आ जाऊं। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर अगर आपके दोनों पैर नहीं है और ऐसी तकलीफ है तो आप नहीं आइए, जो जेन्युइन कॉज है वो ना आए, जो बहुत दूर है बहुत ज्यादा समस्याएं ना आए, लेकिन जो आ सकते हैं वो जरूर आए, क्योंकि आप आएंगे तभी तो शक्ति का पता चलेगा। अगर एक दिन आ गए तो बाकी दिनों के लिए भी फिर मैं व्यवस्थाएं करूंगा। अब इस एक दिन में होगा क्या, मीटिंग का समय बता देता हूं मैं पहले, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का हमें टाइम मिला है, तो टोटल हमें
दस से पाँच सात घंटे मिल जाएंगे। सात घंटे में जो शुरू के दो घंटे होंगे सुबह के दस से बारह, वो आप जो भी बाहर से लोग आएंगे उनसे मैं व्यक्तिगत मिलूंगा, उनके साथ वार्तालाप होगा, उनसे अनौपचारिक बातचीत होगी। शुरू के दो घंटे अनौपचारिक बातचीत के हैं, मतलब के आपसे जानना, आपके विषय में जानना, आप मेरे विषय में जानिए, हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। और छोटी छोटी वहीं पे जो मीटिंग से अलग जो अलग-अलग काम होंगे कि क्या हालात है, क्या आपके पास कोई नया आइडिया है, वो सब व्यक्तिगत मैं जानने की कोशिश करूंगा और कैसे इस आइडिया को बेहतर करें। तो दो घंटे तो ऐसे जाएंगे। दो घंटे के बाद हमारे जो अगला सेशन होगा मीटिंग का, उसके अंदर अलग अलग हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे, अलग अलग प्रतिनिधि, जैसे होमगार्ड का प्रतिनिधि, ईपीएस 95 का प्रतिनिधि, हमारा पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधि, हमारे ड्राइवर भाइयों के प्रतिनिधि, हमारे वकीलों के प्रतिनिधि, हमारी महिलाओं के प्रतिनिधि, हमारे सोशल जो कॉज मैंने जोड़ा है उनके प्रतिनिधि, और भी अन्य जितने हमने लोग अलग अलग माध्यम से जोड़े हैं, समाज से भी जोड़े हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो करीब एक डेढ़ घंटे का उनका होगा। उनकी बातचीत रखने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हम जो बाहर से जो लोग आएंगे उनको मौका देंगे कि भाई वो भी अपनी बात रखें मीटिंग के अंदर। तो ये कुछ समय उसमें भी जाएगा। जब उनकी बात रख लेंगे, जैसे बाहर बाहर से टीमें आएंगी, कोई हरियाणा से आएगी टीम, कोई हमारी कलकत्ता से आएगी, कोई बीन से आएगी, कोई लातूर से आएगी, कोई बुल्ढाना से आएगी, कोई हमारी तेलंगाना से आएगी, कोई केरल से आएगी, कोई कर्नाटक से आएगी, कोई गुजरात से आएगी, अहमदाबाद से भी मेरे पास कॉल आई है। सब जगह से लोग कह रहे हैं आने के लिए, वो चाहे एक आए, दो आए, तीन आए, लेकिन आएंगे जरूर। जो लोग आएंगे उनको अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का। उसके बाद हम वहाँ कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे। हम ये बताएंगे कि हमने अब तक क्या हमने इकट्ठा किया है और सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लेंगे। निर्णय क्या लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक दो लोकसभाओं का, कम से कम एक लोकसभा का, हमारी दो लोकसभाएं तैयार है, मैं बता दूं आपको, एक तो नई दिल्ली लोकसभा और एक पूर्वी दिल्ली लोकसभा, जिसमें हमारे पास सब कुछ तैयार है, हमें बस यहाँ पर सेनापति ढूंढना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सेनापति कोई मिले तो ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो कम से कम उनके लिए आगे की क्या प्लानिंग है वो हम तय कर लें। तो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे टीम के बाद। उसके बाद हम एक डेढ़ घंटे के अंदर जितने मीडिया वाले, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मीडिया वालों को बुलाना, और सब मीडिया वालों को अलग अलग लोगों की वो बाइट लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं ही बोलूंगा, आप सब खुल के अलग अलग चैनल्स पे अपनी बात रखोगे और सारे चैनल्स लग जाएंगे। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाकी सब लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना, मैं सारे चैनल्स को कहूंगा कि भैया अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बातें लो और उन सबको जितना प्रचारित प्रसारित हो सके वो करो। इसके साथ साथ मैं बता दूं, इस पूरी मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट भी होगा, तो आप कुछ चैनलों पर जो लगातार लाइव इसे देखेंगे उस पर आप लगातार देख सकेंगे। जो लोग नहीं आ पाए वो लगातार देखें और वो शेयर करें इसको, मीटिंग को। अब ये कितनी संख्या है ये आप लोगों के ऊपर है कि भैया कितनी संख्या आप भर दोगे। अच्छा, तारीख बता देता हूं मैं, 5 तारीख है। कौन सी तारीख है? 5 यानी 5 उंगलियां, और ये जब 5 उंगलियां बन जाती हैं तो ये मुट्ठी हो जाती है, और मुट्ठी जब पड़ती है ना सरकार के मुंह पे, तो सरकार के मुंह पे ये जब मुट्ठी बना के आपको मारनी है तो सरकार को नानी याद आ जाए और आपके सांसद अब लोकसभा में जाएं और आपका काम करें, मतलब कि अपने मुद्दे उठाएं वो। अब वो किसी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाएंगे, कोई हवा हवाई मुद्दे नहीं उठाएंगे, और कहेंगे कि पेंशनर्स के सम्मान में या बुजुर्गों के सम्मान में हम आए हैं मैदान में। तो आज आपको लिखना है, बुजुर्गों के सम्मान में हम आए हैं मैदान में। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आज आप उसमें? बुजुर्गों के सम्मान में हम आए हैं मैदान में। और जो मेरा नंबर है उस नंबर पे, जो नंबर मैं बताता हूं आपको, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, 8375009595। अब मैं बताता हूं कि मीटिंग 5 तारीख को है, 5 अप्रैल को है, दिन शुक्रवार है। मीटिंग आपको 10 से 5 तक है, सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक की हमें परमिशन के लिए है। तो इतना टाइम मीटिंग है, टोटल 7 आवर्स है, उसमें से 2 घंटे लगभग प्रेस से मिलके ये सब इसमें निकल जाएंगे हमारे। पूरी तरीके से मीटिंग के लिए कमर कस लिए, सारी टीमें दिल्ली की तैयार है, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं, आपको आना है। अब आना कहाँ है ये भी तो पूछ लो जनाब। चलिए मैं बता देता हूँ, एड्रेस भी देता हूँ।
एड्रेस लिख लीजिए और मैं इसमें डिस्प्ले भी कर दूंगा वीडियोस के अंदर। एड्रेस है गांधी पीस फाउंडेशन, डीडीयू मार्ग आईटीओ, गांधी पीस फाउंडेशन, डीडीयू मार्ग आईटीओ। हिंदी में बता दूं, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नियर आईटीओ। आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, दिल्ली का दिल है आईटीओ। सब लोगों को ज्यादातर पता है आईटीओ कहाँ है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे उनके लिए 1-2 किलोमीटर का बस डिस्टेंस पर ही है ये प्रोग्राम। वैसे तो पैदल आया जा सकता है, लेकिन अगर ऑटो से भी आएंगे तो 20-25-50 रुपए में आप आराम से ई रिक्शे से आराम से आ सकते हैं। जितनी दूर आपका जंतर मंतर है नई दिल्ली से, उतनी ही दूर समझ लीजिए आईटीओ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये वही जगह है जिसके पास में आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, इसके पास में कांग्रेस का भी ऑफिस है, इसके पास में रॉयस एवेन्यू कोर्ट भी है। तो गांधी पीस प्रतिष्ठान, डीडीयू मार्ग, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग आईटीओ, ये एड्रेस है। और ये आईटीओ यानी कि सेंट्रल दिल्ली के अंदर ही है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप गूगल पर लिखेंगे गांधी पीस फाउंडेशन तो आपको मिल जाएगा एड्रेस। बाकी मैं इसमें भी डाल दूंगा एड्रेस। तो आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है, तो अपनी ट्रेन बस जो भी जैसे भी आ रहे हैं आप उसमें वही इंतजाम कर लीजिए कि सुबह 10 बजे आप सही समय पे उपस्थित हो जाएं। और शाम को 5 बजे तक हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद मैं आपसे हम कुछ ना कुछ वहां से कॉन्क्रीट बना के उठेंगे। तो देखिए, जो लोग हम पर सवाल उठा रहे थे कि कुछ नहीं करेंगे, अब वो समय आ गया है कि दिल्ली में आपको आना है। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज अगर नहीं आ सकते हो आप तो उन लोगों को भेजिए जो लोग आ सकते हैं, और उनकी मदद करिए, उनको आने जाने की मदद करिए। और जो मदद आप भेज सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो करिए अपने अपने माध्यमों से, क्योंकि हमें बड़ी मदद की आवश्यकता है लड़ने के लिए। तो जैसे भी आप हमें सहयोग करेंगे, लोगों को भेजकर जैसे भी करेंगे, हम उस सब से स्वीकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सफल हो जाए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स को भी कोशिश की है कि आएं और आपकी जो बात है वो बड़े मीडिया पे भी चली जाए, और बाकी सोशल मीडिया का पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है सब चैनलों को बुलाऊं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आमंत्रण कर दे रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसी तरह का यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कुछ करते हैं, तो प्लीज आप 5 तारीख को बुजुर्गों के सम्मान में जरूर आइए, और पेंशनर की बात करने के लिए, पूर्व सैनिकों की बात करने के लिए, ड्राइवरों की बात करने के लिए, इन सब की बात करने के लिए आप आइए, महिलाओं की बात करने के लिए, समाज सेवियों की बात सुनने के लिए आप आइए, और उनका इंटरव्यू कीजिए और हमारा सहयोग करिए। क्योंकि इस नेक काम में ये हम सबके घर में बुजुर्ग हैं, तो हम सब, मैं तो अपनी कम्युनिटी से भी, जो प्रेस मीडिया वाले हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्लीज आप आइए, आपका स्वागत है, यथासंभव आपका जो भी होगा मान सम्मान किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब इसको पूरी तरीके से हमें फैला देना है, अब हम रुकने वाले नहीं है। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब मैं सूरत बदलने के लिए कमर कस ली है हमने, तो अब तो आपका इंतजार है, और आप आ जाओ और आके सारा माहौल देख लो, आपको जमता है तो जाके जमा देना, और फिर जब लौट के आएंगे दूसरी बार में, जब मैं बुलाऊंगा, तो दिल्ली में छा जाएंगे। और जब तक हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और अब की बार संसद में ईपीएस 95 की आवाज ऐसे उठेगी कि वो दबेगी नहीं, वो ईपीएस 95 की बढ़ोतरी लेकर ही उठेगी। देखते रहिए।